एक साथ पीते हैं, देखते हैं कैसा होता है। हाँ, ये वो ड्रिंक है जो इस वक्त दुनिया में नायाब है और ऐसे लग रहा है कि हर शख्स इसके पीछे है। ज़ीशान, क्या ये चीज़ यार? यार पता नहीं क्या चीज़ है, लेकिन इसने बाज़ाहिर तो बड़ी तबाही डाली हुई है। जहाँ देखो हर वक्त घर में भी इसी का रोना है, ये चाहिए वो चाहिए, प्राइम 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 प्राइम। घर में रोने की वजह से ही ये इस वक्त मेरे हाथ में है, क्योंकि मेरे बेटे ने पता नहीं वो शायद YouTube पे ही देखा है, और मुझे इसके बारे में बिल्कुल कुछ पता नहीं था, और अचानक से जो है मेरे बेटे ने इसकी जिद करना शुरू कर दी कि मुझे ये प्राइम चाहिए प्राइम चाहिए। तो कम से कम एक हफ्ता तो मैं उससे यही पूछता रहा कि प्राइम है क्या, तो वो मुझे कह रहा था कि ये कोई ड्रिंक है और आपने मुझे मंगवा के देनी है। तो खैर फिर कोई जुगाड़ करके, और उसने अपनी माँ की मिन्नतें तरले करके तो यूके से अप्रोच किया, और फिर इसको जो है यूके से मंगवाया, बिल्कुल, और ये फिर यूके से उसने मंगवाया, तो अब उसको सुकून हो गया। जब तुमने मुझे बताया तभी मुझे पता चला कुछ चीज़ है ये। पहले मैंने एक दो दफ़ा किसी वीडियो में सुना था, बट मैंने ध्यान नहीं दिया इसके ऊपर। तो मैंने इसकी प्राइस चेक की, तो यूके के अंदर इसकी प्राइस है 2 पाउंड के आसपास, और अमेरिका के अंदर है इसकी 2.5 पाउंड। वैसे नॉर्मली जो ड्रिंक्स होते हैं हाइड्रेशन के, जैसे गेटोरेड वगैरह हो गया या ग्लूकोजेड हो गया, उनकी प्राइस होती है 1 पाउंड या 75 सेंट्स के आसपास होती है उनकी प्राइसेस। बट इसकी प्राइस जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली ज़्यादा है, बिकॉज डबल है प्राइस। और ये हाइड्रेशन ड्रिंक है, और इसके पीछे सिर्फ एक ही वजह है, क्योंकि ये इसके पीछे 2 यूट्यूबर हैं, उन्होंने मिलकर ये बनाया था, और उनकी कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो 2 यूट्यूबर हैं, लोगन पॉल और KSI, वो एक्चुअल में उनकी आपस में लड़ाई थी, उनकी यूट्यूब के ऊपर आपस में जो है वो लड़ाई हुआ करती थी। फिर दोनों के आपस में जो है वो दोस्ती भी नहीं हुई, दोनों ने डिसाइड किया कि हम सिर्फ बिजनेस के लिए साथ आएंगे, और उन्होंने मिलकर ये ब्रांड बनाया 2022 के अंदर। और 2022 से लेकर अब तक इसकी इतनी मार्केटिंग हो चुकी है कि दुनिया का कोई बड़ा अखबार नहीं है जिसने उसके ऊपर फीचर ना किया हो। मैंने न्यूयॉर्क टाइम्स के ऊपर इसका आर्टिकल देख लिया है, मैंने BBC के ऊपर देख लिया, और भी आप सिर्फ प्राइम ड्रिंक लिखे ना गूगल के ऊपर, आपको पता चल जाएगा कि ये कितना फेमस है। पाकिस्तान में तो आपको अभी नहीं मिलता है, और शायद ही कोई यूट्यूब चैनल हो जिसके ऊपर ये अभी तक दिखाया ना गया हो, और ये शिकवा भी नज़र ना आया हो कि ये हमें मिल नहीं रहा। यानी क्या ये आब हयात है, आब जमजम है, क्या है इसमें? पता नहीं, पी के देखेंगे तो पता चलेगा क्या है। आखिर में पीते हैं, हम आपको दिखाते हैं जो है वो, आपको बताते हैं इसका टेस्ट भी कैसा है। बाय द वे, तुम्हारे बेटे ने पिया ये? हाँ, उसने पिए। चलो टेस्ट अभी नहीं हम पूछते, वो जब हम खुद ट्राई करेंगे फिर बताएंगे। 2-3 चीज़ें इसके बारे में कि ये इतना फेमस क्यों हुआ है। पाकिस्तान में तो खैर इतना फेमस नहीं है, आपको कुछ यूट्यूबर्स नज़र आएंगे इसके ऊपर बात करते हुए, बट वैसे इतना फेमस नहीं है। इन्होंने किया ये कि 2022 में जब इन्होंने इसको लॉन्च किया, तो उन्होंने एक जो है वो टेक्निक होती है मार्केटिंग के अंदर, जिसको कहा जाता है स्केयरसिटी टेक्निक, कि आप जब किसी चीज़ को लॉन्च करते हैं तो वैसे ही मार्केट में फैला देते हैं कि ये कम क्वांटिटी में आइए तो आप जाके अभी ले लें। सो लोगों को एक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, कि अगर यार मैंने ये ना किया तो मुझे इस एक्सपीरियंस का जो है ना वो एक्सपीरियंस नहीं होगा। तो इसलिए लोगों ने बाहर जाकर लंबी लंबी लाइनें लगी LD के बाहर और जितने भी वहाँ पे सुपर स्टोर्स हैं, और हर हफ्ते को जो है वो स्टॉक आता था, हर हफ्ते वो स्टॉक फौरन से जो है वो ख़त्म हो जाता था। अभी भी आपको ये पाकिस्तान में आप बहुत पूरी कोशिश करके देख लें, आपको शायद दराज के ऊपर एक 2000 या 2500 का मिल रहा है, मुझे उसका भी कंफर्म नहीं है कि वो मिलेगा भी कि नहीं। हाँ बिल्कुल, और यही वजह है कि शायद हमने पहले US में ट्राई किया, वहाँ से भी यही सुनने में मिला था कि यार बहुत मुश्किल से मिलेगा, ढूंढना पड़ेगा, ये होगा वो होगा वो। फिर करते करते दुबई में चेक किया, वहाँ से लाने का थोड़ा कोई इशू बन रहा था, फिर UK में ट्राई किया तो उन्होंने कहा कि अच्छा चलो कोई आ रहा है तो वो आपके लिए ले आएगा। तुम बोतल ढूंढ रहे थे, बहुत ढूंढ रहे थे, इतना लग तो ऐसा ही रहा था मुझे। अच्छा, कितनी बोतलें पड़ी तुम्हारे पास? 2 ये हैं 2 और 4 घर पे शायद और। तो तुम अगर बेचना शुरू करो तुम तो बहुत अमीर हो जाओगे। मुझे लगता है कि बेचनी पड़ेगी, क्योंकि वो बेटे मेरे ने तो हमें दे दिए वहाँ पे, ये ले ले। चले वो बताते हैं क्यों दिए, चल ट्राई करते हैं, देखते हैं इसका कैसा टेस्ट है। पैकिंग तो अच्छी है यार इसकी। वाह यार, मेरे वाला तो ठंडा है, तेरे वाला ठंडा नहीं, मुझे नहीं पता था कैसा लगेगा। हाँ, ये ब्लू रेस्पबेरी है। चल देखते हैं, एक साथ पीते हैं, देखते हैं कैसा होता है। हाँ, मुंह ही बनाता रहेगा, बोलेगा मुझे भी समझ आई है मेरे बेटे ने मुझे दी क्यों है बॉटल। यार मेरे वाला तो ठीक है, दिखा दूसरा वाला, ये वाला फ्लेवर दिखा। यार बिल्कुल दवाई है यार, मतलब वो जो तो बुखार में, यार गेटोरेट जैसा ही है वही। मतलब है, क्या है इसमें स्पेशल? मतलब है ठीक है, इतना कोई स्पेशल नहीं, इतना बुरा भी नहीं है। नहीं, ये तो बहुत बुरा है यार, मतलब बिल्कुल मुझे नहीं, मुझे तो ऐसे लग रहा है कोई दवाई है। और वो पैकेजिंग अच्छी है,
इसमें फलाना, तो उसके ऊपर जो स्टिकर लगा दिया अच्छा। बाय द वे इसका मैं देख रहा था कि हलाल है कि नहीं, हलाल ही होगी यार। हाँ, उन्होंने अपनी वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि हम इसको हलाल की सर्टिफिकेशन तो नहीं दे रहे, बट हमने कोई इंग्रेडिएंट्स ऐसे यूज ही नहीं किए जिसमें हमें जो है वो सर्टिफिकेट की जरूरत हो, तो हलाल ही है यार। जब उन्होंने कुछ ऐसा यूज ही नहीं किया तो हलाल की सर्टिफिकेशन की जरूरत क्या है? अब जो बाहर आपको पानी मिलता है उस पर क्या सर्टिफिकेशन लेके आते हैं कि हलाल है? नहीं तो पानी है बस, वो कह रहे हैं पानी, ये पानी तो नहीं है ना, और वो कह रहे हैं हमने ऐसा कुछ नहीं यूज़ किया लेकिन फिर भी हम आपको जो है ना सर्टिफिकेट नहीं दे रहे। दे अच्छा, भाई कह दें कि हलाल है, क्या जाएगा, ज्यादा बिक जाएगा। एक गुंडा पूरा पी के दिखा, खत्म करते हैं यार, क्या है यार, चल पी जाते हैं। अल्लाह हाफिज़।